नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। 27-28 जुलाई को चंद्र ग्रहण, ये पड़ेगा राशियों पर प्रभाव। इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 27-28 जुलाई की रात है। इसकी अवधि 3 घंटा 55 मिनट होगी। यह पूरे भारत में दिखाई देगा, अन्य कुछ देशों में भी दिखेगा। ग्रहण उत्तराषाढ़ श्रवण नक्षत्र में मकर राशि में खग्रास रूप में दिखाई देगा। ग्रहण से भविष्यवाणी। ग्रहण से ज्योतिष शास्त्रों में प्राचीन काल से आज तक भविष्यवाणियां ज्योतिषविद करते रहे हैं। इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से इस बार हवा के साथ साथ अनेक स्थानों पर भारी बारिश होगी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त होगा। अनेक स्थानों पर बाढ़ और कुछ स्थानों पर वर्षा की कमी से चिंता रहेगी। ग्रह नक्षत्र श्रवण मंगल व केतु ग्रह से युक्त होने से आगे राजनीति में बड़ी आपाधापी, दल बदल और आरोप प्रत्यारोप बढ़ेंगे। साधु संतों को कष्ट अपमान के प्रसंग देखने मिल सकते हैं। मंगल केतु की ही वजह से भारत में कोई बीमारी जैसे स्वाइन फ्लू, डेंगू या अन्य के भय से परेशानी हो सकती है। सफेद पीली वस्तु, चांदी सोने में तेजी, चना गुड़ तेल और खाद्यान्न में भी तेजी रहेगी। इनमें मंदी के कोई आसार नजर नहीं आते। राशियों पर क्या हो सकता है असर? मेष सुख, वृष अपमान, मिथुन शारीरिक कष्ट, भय, कर्क स्त्री को पीड़ा, सिंह सुख, कन्या चिंता, तुला पीड़ा, वृश्चिक लाभ, धनु हानि, मकर शरीर रोग पीड़ा विशेष, कुंभ हानि विशेष, मीन धन का लाभ। कैसे लगता है ग्रहण? पूर्णिमा को सूर्य चंद्र में 6 राशि का अंतर आता है। पूर्णिमा को पृथ्वी की छाया व चंद्रमा समान रहते हैं, अर्थात जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक ही सीध में आते हैं तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।